स्टूडेंट्स, अगर हम सिर्फ प्रेडिकेट कहें इज़ डीप एंड कोल्ड, क्या हमें समझ आता है इसके बारे में? इज़ दैट ओशन डीप एंड कोल्ड और समथिंग एल्स? नहीं ना, तो सिर्फ प्रेडिकेट कहने से हमें बात समझ नहीं आती, या हम सिर्फ सब्जेक्ट कह दें तो भी पूरी बात समझ नहीं आती। इसीलिए सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इक्वल टू कंप्लीट सेंटेंस। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट हाउ इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। लुक एट योर डॉकेट। देयर आर टू कॉलम्स इन दिस पिक्चर। वन इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। देयर आर थ्री सेंटेंसेज इन दिस पिक्चर। वी नो दैट ईच सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, सो वी डिवाइडेड sentences in two parts, subject and predicate. Let's read the sentence. The people were watching the match. The people is a subject. Were watching the match is predicate. This sentence is all about people. Second is, he is winding his watch. He is a subject. Is winding his watch is a predicate. Heather has eaten the cake. Heather is a subject. Has eaten the cake is predicate. Understand, students? There is always a verb in the predicate. If we separate the verb, there will be three parts of a sentence. Predicate mein hamesha verb hota hai. Agar hum verb ko alahda kar dein, to phir sentence ke teen part ho jate hain. और वो कौन से होते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लुक एट दिस पिक्चर। देयर आर थ्री कॉलम्स इन दिस पिक्चर। नंबर वन सब्जेक्ट, नंबर टू वर्ब, नंबर थ्री ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि हम अपने एक सेंटेंस को इसमें किस तरह से पुट करते हैं। नंबर वन, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज मशरिक से निकलता है। इसमें द सन सब्जेक्ट है, rises निकलना वर्ब है, in the east मशरिक में ऑब्जेक्ट है। नंबर टू is Ali eats banana। Ali बनाना खाता है। Ali is a subject, eats खाना वर्ब है, बनाना ऑब्जेक्ट। नंबर थ्री, बतूल cooked बिरयानी। बतूल सब्जेक्ट, cooked पकाना वर्ब, बिरयानी ऑब्जेक्ट। नंबर फोर, ही प्लेज क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलता है। ही इज़ अ सब्जेक्ट, प्लेज खेलना वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। नंबर फाइव, शी बॉट मैनी बुक्स। उसने कई किताबें ख़रीदी। शी इज़ सब्जेक्ट, बॉट ख़रीदना वर्ब, मैनी बुक्स कई किताबें ऑब्जेक्ट। हैंस ले एग्स, मुर्गियाँ अंडे देती हैं। हैंस सब्जेक्ट, ले अंडे देना वर्ब, एग्स ऑब्जेक्ट। द सेंटेंसेस कैन बी रिटन एज, ये वाले सेंटेंस जो आपने अभी रीड किए हैं ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नंबर वन, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नंबर टू, अली ईट्स बनाना। नंबर थ्री, बतूल कुक्ड बिरयानी। नंबर फोर, ही प्लेज क्रिकेट। नंबर फाइव, शी बॉट मैनी बुक्स। नंबर सिक्स, हैंस ले एग्स। वर्ब, अ वर्ब इंडिकेट्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, गो, थिंक, ईट, लुक, सिट एट्सेट्रा। वर्ब क्या होता है? हमने पढ़ा था expresses an action or says what people or things are. Means verb वो होता है जो किसी भी noun या pronoun के actions को बता रहा होता है कि वो क्या काम कर रहा है। For example, sit, look, read, listen, stand, walk, talk, think. These all are verb. Object, a person or thing to which an action, thought or feeling
इज डायरेक्टेड। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, द एक्टर स्टडीज द स्क्रिप्ट। एक्टर स्क्रिप्ट का मुताला करता है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? स्क्रिप्ट। द डेंटिस्ट क्लियर्स माई टीथ। डेंटिस्ट मेरे दांत साफ करता है। द डेंटिस्ट क्लियर्स, डेंटिस्ट क्लियर करता है। क्या क्लियर करता है? माई टीथ। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? माई टीथ। नाउ दिस इज योर होम टास्क, लर्न एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑल डेफिनेशंस ऑफ लेसन नंबर 1 पार्ट बी, अ सेंटेंस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।